सो इफ यू डोंट नो हाउ टू टेक्स्ट अ गर्ल, तो आज मैं आप लोग इस वीडियो में बता दूंगा कि आपको कैसे कोई लड़की को टेक्स्ट करना है और आपको क्या चीजों को अवॉइड करनी है। तो जितने भी भाइयों ने आज ये वीडियो पे क्लिक किया है तो उसकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, आई होप यू आर डूइंग गुड। सो गाइस, आज की जो वीडियो है, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में चेक कर ही लिया है, सो मैं अब आप लोग को बता देता हूँ कि आपको क्या अवॉइड करना है और आप लोग क्या हमेशा मिस्टेक करते हो, जो कि आपको ये मिस्टेक को नहीं करनी चाहिए, और आप लोगों को क्या करना है। हाउ टू टेक्स्ट अ गर्ल ऑन इंस्टाग्राम। बहुत लड़कों ने भाई मुझे ये मैसेज कर करके डिस्टर्ब कर दिया है। डिस्टर्ब मतलब, चलो ठीक है, अपने सारे भाई है। बहुत लड़कों ने मैसेज किया कि भाई प्लीज बता दो कि हाउ टू टेक्स्ट अ गर्ल ऑन इंस्टाग्राम। व्हाट्सएप तो चलो व्हाट्सएप के लिए भी वीडियोस बना दूंगा, लेकिन इंस्टाग्राम पे कोई लड़कियों को कैसे इंप्रेस करे या फिर फेसबुक पे कैसे लड़कियों को इंप्रेस करे। सो भाई आज आपके भाई आ गया आप लोग के लिए वीडियो बनाने। सो मैं आप लोग को ऐसी ऐसी टिप्स बताऊंगा, 1000% गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आप लोग कोई भी लड़की को इंप्रेस कर सकते हो, चाहे वो आपकी फ्रेंड हो, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड हो, चाहे वो आपकी नेबर हो, चाहे वो आंटी हो, चाहे वो कोई भी हो, आप लोग 1000% इंप्रेस कर सकते हो अगर आपने मेरी बात सुन ली और ये वीडियो को एंड तक देख लिया। तो मैं आप लोग को अभी बता देता हूँ कि आपको करना क्या है। देखो भाई, 90% नहीं, मुझे तो लगता है 100% चलो 100% नहीं भी होगा तो 98% लड़के क्या करते हैं कि हर लड़कियों को मैसेज करते हैं हाय 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 हाय, दिन भर हाय 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 मैसेज करेंगे। ये चीजें आपको नहीं करनी है, आपको हाई के बदले कुछ अच्छी चीज करनी है। वो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आपको क्या करना है। आपको क्या करना है कि जब भी आप कोई लड़की की, जैसे कोई भी आपकी लड़की ने एक्सेप्ट रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया, या फेसबुक पे हो या इंस्टाग्राम पे हो, तो आपको क्या करना है कि उसकी कोई भी एक फोटोज को उसको फॉरवर्ड करना है और उसको एक डिसेंट सा अच्छा सा कमेंट करना है। अब कमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप उसको भेजोगे सेक्सी हॉट या कुछ भी गंदे गंदे कमेंट, ऐसा नहीं है। हाय तो हाय मैसेज तो करना ही नहीं है। और एक मैसेज है, वो मैं आप लोग को इंस्टाग्राम पे बता दूंगा, वो मैं यहाँ शेयर नहीं कर सकता। वो मैं आप लोग इंस्टाग्राम पे, आप मुझे डीएम करो, मैं आप लोगों को बता दूंगा कि आपको क्या मैसेज करना है, उसको मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा वो मैसेज। क्योंकि अगर यहाँ मैसेज करूंगा तो मेरा भी पता कट सकता है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये चीजें करनी है आपको, हाय मैसेज नहीं करना है। क्योंकि देखो भाई, जो दूसरे लोग करते हैं वो आपको नहीं करना। जैसे कि 99% आप लड़के हाय हाय मैसेज करेंगे और 1% आप जो हो, आप अगर उसको एक अच्छा सा डिसेंट सा मैसेज करोगे तो वो लड़की जरूर सोचेगी कि हाँ भाई, इसने मुझे तो 99% लड़कों ने इतने मतलब सब में हाय 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 मैसेज किया है, लेकिन ये बंदे में कुछ क्वालिटी है जो भाई दूसरे लड़कों में नहीं है। दूसरे लड़के तो हाय मैसेज करते हैं तो इसने मुझे ऐसा मैसेज करा है, तो वो लड़की आपसे बात करने में इंटरेस्ट लेगी और आपसे बात करेगी। तो हाय मैसेज नहीं करना है। अब बात करते हैं कि अगर आपको कोई लड़की ने मैसेज करा है इंस्टाग्राम पे, या आपने उसको इंस्टाग्राम पे मैसेज करा है, फिर फेसबुक पे मैसेज करा है, तो अब आपको क्या करना है कि वो अगर लड़की आपको 1 मिनट में रिप्लाई दे रही है, तो मैं चाहता हूँ कि आप उसको 2 मिनट लगाओ रिप्लाई देने में। फिर आप अगर वो लड़की आपको 5 मिनट में रिप्लाई दे रही है, तो मैं चाहता हूँ कि आप उसको 6-7 मिनट लगाओ रिप्लाई देने में। आपको ये नहीं दिखाना है कि आप एकदम विले बैठे हो कि उसने आपको मैसेज किया तो आप धड़ाधड़ उसको मैसेज कर रहे हो कि आया आया है, या फिर आपको सडन रिप्लाई नहीं देना है। क्योंकि उससे क्या होगा कि आपका इंप्रेशन बने रहेगा। आपका इंप्रेशन इसलिए बनेगा क्योंकि वो ये नहीं सोचेगी कि आप इतने विले हो, आपके पास इतना टाइम है कि आप उसको हर वक्त मैसेज कर रहे हो और उसके लिए हमेशा आप अवेलेबल हो। तो ये आपको नहीं दिखाना है। क्योंकि अगर आप दिन भर बात करोगे लड़कियों से तो आप फ्रेंड जोन में जा सकते हो। क्योंकि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर है या फिर मुझे जितने भी लोग इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, मैं कभी भी उन्हें ये नहीं बताता कि भाई आपको फ्रेंड जोन में कैसे जाना है। क्योंकि लड़कियों के 25 से 30 बेस्ट फ्रेंड ही होते हैं, जो कि आपको पता है भाई आजकल बेस्ट फ्रेंड की ज़्यादा वैल्यू होती है। तो आपको बेस्ट फ्रेंड तो नहीं बनाना है, ना आपको फ्रेंड बनना है। तो मैं आप लोग बता रहा हूँ कि आपको किस तरीके से बात करनी है और कैसे बात करनी है जिससे कोई भी लड़की आप इंप्रेस कर सकते हो इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पे। आप क्या करते हो, आप दिन भर लड़कियों को मैसेज करते हो हाय गुड मॉर्निंग गुड नाइट, लंच किया कि नहीं किया, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है कि नहीं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपने इतने सारे मैसेज कर दिए, आपने पूरी जिंदगी उसके नाम कर दिए है भाई, अपनी कोई वैल्यू तो देखो। क्योंकि मैंने जहां तक नोटिस कर रहा है, इससे क्या होता है कि आपका इंप्रेशन खराब होता है। जब आप किसी से बात करने लग जाते हो, कोई लड़की से बात करते हो, तो आपको अपनी वैल्यू समझ में आ जाती है कि बहुत लड़कियां क्या करती है, कि बहुत लड़कियां बात करने में इंटरेस्ट लेती है, बहुत लड़कियां नहीं लेती है बात करने में इंटरेस्ट। लेकिन मेरे हिसाब से मैं आप लोगों को बताता हूँ कि 80-90% लड़कियां इंटरेस्ट लेती है बात करने में। क्योंकि अगर आप उससे अच्छे ढंग से बात करोगे तो वो लड़की आपसे इंटरेस्ट लेगी बात करने में। अगर आप उससे दिन भर मैसेज करोगे तो वो इरिटेट होकर आपको ब्लॉक कर देगी।
दिन भर मैसेज करने का मतलब ये है कि आप उठ रहे सुबह, गुड मॉर्निंग, क्या कर रहे हो, अरे कहाँ हो, आप उसके मैसेज का रिप्लाई का वेट कर रहे हो और वो बाहर भाई मस्ती कर रही है, अपने घूम फिर रही है, अपना टीवी भी देख रही है, कुछ भी देख रही है, कुछ भी कर रही है वो, लेकिन आपको उसके मैसेज का रिप्लाई का वेट होता है कि वो कब मैसेज मुझे करेगी और मैं उसके मैसेज का रिप्लाई का वेट कर रहा हूँ। तो भाई ये करना बंद करो, हाथ जोड़ रहा हूँ, तो ये अगर आप करना बंद कर दोगे, वैल्यू किसी, अपनी वैल्यू को किसी और के इम्पोर्टेंस दोगे, ज़्यादा इम्पोर्टेंस दोगे, तो आपको ऐसा फील होगा कि आप धोखा खा रहे हो। बोरिंग बातें करना बंद करो, जैसे कि आप अपने दोस्त से जैसे बात करते हो दिन भर, अपने अपने दोस्त से आप बहुत सारी बातें करते हो, जैसे कि आप सारी अपने बातें शेयर करते हो अपने दोस्त से, तो वो क्या है, आपका दोस्त है। अगर यही चीज़ें आप अपने, आप कोई लड़की से बात करो इंस्टाग्राम पे, अगर यही चीज़ें आप वो लड़के के साथ करोगे तो आप फ्रेंड जोन में चल जाओगे, आपको फ्रेंड जोन में नहीं जाना है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप फ्रेंड जोन में इसलिए ना जाओ क्योंकि भाई जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, मैं सबको ये बताता हूँ कि भाई लड़कियों से कैसे बात करनी है और उन्हें कैसे पटाया जा सकता है। तो लड़कियाँ क्या चाहती है ना, लड़कियाँ चाहती है कि लड़कों को एकदम अपने उंगली में नचाना चाहती है, जो आप लोग को नहीं करना है। अब अगर आप दूसरे लड़कों की जैसे उसे मैसेज करते रहोगे, दिन भर मैसेज करते रहोगे, तो आपका इंप्रेशन तो पहला ख़राब हो गई होगा। अगर आप यूनिक, मतलब कि अगर आप एक ऐसे मात्र में लड़के होगे उसके नज़र में कि उसने आपको मैसेज करा है और आप उसको सडन रिप्लाई नहीं दे रहे हो, 3 या 4 मिनट लगा रहे हो रिप्लाई देने में, तो वो लड़की ज़रूर सोचेगी कि भाई ये लड़का मुझे रिप्लाई क्यों नहीं दे रहा है, ये लड़का मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है, तो वो ज़रूर सोचेगी। तो वो फिर इंटरेस्ट लेगी आपसे बात करने में, क्योंकि फिर वो सोचेगी कि यार ये लड़का कर क्या रहा है, मतलब कि इसे मेरे से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या लग रहा है अपनी लाइफ में, जो कि ये मुझसे बात नहीं कर रहा है, मैं इतनी सुंदर हूँ यार और ये लड़का मुझसे बात नहीं कर रहा, मुझसे इतने लड़के बात करने के लिए मरते हैं लेकिन ये मेरे से बात करने के लिए क्यों नहीं मरता और मुझे इतने लेट रिप्लाई क्यों करता है। फिर वो लड़की आप पे इंटरेस्ट दिखाएगी, फिर आप उससे आप बात कर सकते हो और अपना जितना भी आपने इंप्रेशन जमाया है वो फिर सोचेगी कि हाँ भाई ये लड़का दूसरे लड़कों के जैसे तो नहीं है कि मुझे ये दिन भर मैसेज कर रहा है, हाय हाय हाय, या फिर गुड मॉर्निंग गुड नाइट, क्या कर रहे हो, क्या नहीं, इरिटेट नहीं कर रहा है, कुछ लॉजिकल बात कर रहा है, अच्छे तरीके से बात कर रहा है और एटलीस्ट मुझे इरिटेट तो नहीं कर रहा है या फिर मुझे बोरिंग तो नहीं कर रहा है। फिर वो आप पे इंटरेस्ट दिखाएगी, फिर आपसे वो बात करेगी, फिर आप उसके 99% चांसेस है कि आप उसे पटा सकते हो। मेरा खुद पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं आप लोग से शेयर कर रहा हूँ, तो वही मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि भाई कोई लड़की आपको मैसेज करती है, 3-4 मैसेज कर रही है, 3-4 लाइनें मैसेज कर रही है, जैसे कि उसने आपको दो लाइन मैसेज की तो आप उसको एक लाइन में मैसेज करो, अगर उसने आपको 3 लाइन में मैसेज की तो आप उसको 2 लाइन में मैसेज करो। ऐसे इससे क्या होता है कि आप उसको एक तो ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगे नहीं और वो सोचेगी कि भाई मैं इसको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रही हूँ कि मैं उसको तीन तीन मैसेज भेज रही हूँ और ये लड़का मुझे 2 मैसेज भेज रहा है। क्योंकि ज़्यादातर ये होता है कि भाई लड़के इतने ज़्यादा मैसेज कर देते हैं और लड़कियाँ सिर्फ एक ही लाइन में रिप्लाई देगी और वो भी छोटा सा रिप्लाई देगी और लड़के पूरे 1 मैसेज 2 मैसेज 3 मैसेज 4 मैसेज उसको आप 6-6 मैसेज भेजते हो और उससे क्या होता है कि आपको तो नहीं लेकिन वो उसको लड़कियों समझ में आएगा कि भाई ये लड़का मुझे इतना इंपॉर्टेंस दे रहा है बाकी लड़कों जैसे। तो ये अवॉइड करो, ये आपको नहीं करना है। तो जैसे कि वो 2 मैसेज भेज रही है तो आपको 1 मैसेज भेजना है, 2 लाइन के मैसेज भेज रही है वो तो आपको 1 लाइन के मैसेज उसको भेजना है, जैसे वो 5 लाइन के भेज रही है तो आपको 4 लाइन के भेजना है, उससे कम ही रखो। क्योंकि इससे पता चलता है कि मेहनत ज़्यादा कौन कर रहा है, आप ज़्यादा मेहनत कर रहे हो या वो ज़्यादा मेहनत कर रही है आपसे बात करने में, इंटरेस्ट कौन दिखा रहा है सबसे ज़्यादा, तो ये चीज़ों को अवॉइड करो। सो मैंने कि जैसे कि आप लोगों को ये सब चीज़ें बताइए, आप लोग ये करके देखो और 1000% मैं आप लोगों को गारंटी दे रहा हूँ कि ये चीज़ें आप पे वर्क करेगी। सो भी वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और जितने भी मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।